नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, प्राचीन काल से ही धन के महत्व को बताया गया है। आप भी पैसे के महत्व को भलीभांति जानते होंगे। धन संबंधी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए किसी को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही धन की देवी महालक्ष्मी की कृपा की बहुत आवश्यकता होती है। हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, गाड़ी हो, पर पैसे है कि टिकते ही नहीं। पैसे की किल्लत इंसान को हर पल मारती है। इसीलिए दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय हैं जिन्हें कर लेने से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। शास्त्रों के अनुसार घर की स्त्रियां लक्ष्मी होती हैं। इनके रहन सहन संस्कार का आपकी किस्मत पर गहरा असर पड़ता है। शास्त्रों में भाग्यशाली महिलाओं को गृह लक्ष्मी के रूप में बताया गया है। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि आप समस्याओं से पूरी तरह घिर गए हैं। आपके चारों ओर समस्याएं ही समस्याएं होती हैं। इनसे निकलने का रास्ता कहीं भी नजर नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ज्योतिष शास्त्र में बताए गए ऐसे छोटे छोटे से उपाय हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जीवन ही बदल जाता है। इनके कुछ लक्षण भी बताए गए हैं। घर की महिलाएं अपनी गृहस्थी को खुशहाल बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर ग्रह नक्षत्र का आपके ऊपर गहरा प्रभाव होता है। यह प्रभाव अच्छा और बुरा दोनों हो सकते हैं। इसके लिए आपको आज हम कुछ उपाय बता रहे हैं। जब हमारे घर में नेगेटिविटी का वास हो तब आपके आसपास हर प्रकार की परेशानी आने लगती है। आपका काम भी बिगड़ने लगता है, साथ ही घर में पैसों की किल्लत भी होती है। ऐसा हम सभी के साथ होता है। हर महीने घर में पैसे आते तो है लेकिन खर्च हो जाते हैं। धन टिकता ही नहीं, जोड़ ही नहीं पाते कुछ पैसे। पता ही नहीं चलता कि पैसे कब खर्च हो गए। धन आने में देर लगती है लेकिन खर्च होने में लगती ही नहीं। तो अगर आपके घर में गरीबी ने अपनी जगह बना ली है तो आज इस वीडियो में बताए जाने वाले उपाय को एक बार आजमा कर देखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको क्या करना चाहिए कि आपके घर में जो आपके जो पायदान होता है, जैसे आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप अपने घर के दरवाजे के बाहर रखते हैं या फिर कुछ लोग घर के अंदर कमरे के अंदर भी रखते हैं, तो पायदान के नीचे आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पिसी हुई फिटकरी ले लेनी है और फिटकरी का पाउडर रख देना है। इसके लिए चाहे तो आप पिसी हुई फिटकरी लेकर आ सकते हैं या फिर साबुत फिटकरी लेकर आए और उसे अपने घर में ही पीस ले और फिर किसी सूती कपड़े में अच्छी तरह से इसे बांध करके अपने पायदान के नीचे एकदम बीचों बीच छुपा कर रख दे। इससे आपकी घर में जो गरीबी अंदर आ रही है, किसी के द्वारा भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है या गरीबी आ रही है, वह दूर हो जाएगी। साथ ही किसी प्रकार की अगर आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास पहले से हो चुका है तो वह भी इस फिटकरी में आ जाएगी और आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। फिर आपको करना क्या है कि जब भी आप इस उपाय को करें, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। जब भी आप इस उपाय को करें उसके बाद जो भी शनिवार आएगा उस शनिवार को आपको इस फिटकरी की पोटली को ले जाकर बहते हुए पानी में फेंक देना है और उसी दिन आपको एक और नई पोटली बना करके अपने घर के पायदान के नीचे रख देनी है। ऐसा आपको हर हफ्ते करना है। इस उपाय को करने से आपकी किस्मत सातवें आसमान पर होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे मैं इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली।